महाराष्ट्र मुंबई से 26 मई को वैवाहिक विवाद के कारण घर से लापता हुए युवती और उसके नाबालिग भाई बहन को ग्वालियर के माधव बाल निकेतन से देर रात बरामद किया गया। आपको बता दें कि ये चारों मुंबई से अपने घर से भागे थे, जिनमें युवती और नाबालिग बहनें और छोटा भाई अपनी सौतेली मां के साथ पंजाब मेल में बैठकर ग्वालियर रेलवे स्टेशन से माधव बाल निकेतन पहुंचे। इसके बाद ही सौतेली मां खंडवा स्टेशन से वापस मुंबई के लिए रवाना हो गई थी, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच पुलिस को जब बच्चे माधव लाल निकेतन नहीं मिले तो उन्होंने अपनी तलाश तेज कर दी और देर रात तक बच्चों को माधव बाल निकेतन से बरामद कर लिया। और माधव बाल निकेतन की केयर टेकर प्रियंका भदौरिया और उसकी मां शकुंतला परमार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। सर मैं आपको बताया सर वही रीजन है सर, बाकी तो कुछ है नहीं। बच्चों का एक्चुअली क्या है कि घर से छोटा मोटा झगड़ा होने के कारण बच्चों को लगा कि इनमें हम तकलीफ में आ रहे हैं, तो बच्चों को लगा बड़ी बेटी थोड़ी ऐसा लगा कि हम अपने पैर पे हो जाएंगे, लेकिन उनको नहीं मालूम सर कि दुनिया में कितने दरिंदे हैं, कितने ये भेड़िए हैं, तो सर क्या हो सकता है आगे की लाइफ। हम लोग तो सब सोच सोच के सर आज 6 दिन कैसे बीते हैं, 6 दिन 6 जन्म कैसे बीते हैं सर। बच्चे जब निकले थे तो उनकी जो मदर थी स्टेप मदर, वो भी उनके साथ थी। बच्चे की पढ़ाई का कुछ इशू है तो आपका जो MP में खांडवा आता है वहाँ तक वो उनके साथ में ट्रेन में थे। ये पंजाब मेल क्रॉस थ्रू मेल 26 तारीख को निकली थी वो ट्रेन, तो खांडवा जब उधर के वो लेडीज घर पर आई तो उन्होंने संजय से पूछा कि बच्चे कहाँ पर हैं, आप भी नहीं थे एक दिन और बच्चे भी नहीं थे, तो उनको लोकल पुलिस थाना लेके आए कि कुछ संदेह है। तब हमने पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों के साथ निकले थे मुंबई से, लेकिन हम खंडवा उतर के बच्चे आगे चले गए, इधर गए हमें मालूम नहीं। तब जाके हमने कल्याण से लेके फिरोजपुर तक, पंजाब फिरोजपुर तक अमृतसर जो ट्रेन जाती है, उसके फुटेज चेक करने के बाद हमको ये सक्सेस मिला कि आपके ग्वालियर सिटी में वो बच्चे उतरे हैं 27 तारीख को शाम को 5 बजे, और वहाँ से वो ऑटो वाले के साथ आए थे। वहाँ से हम